वीडियो गाने का क्लिप हो रहा है वायरल, लेकर आ गया हूं खबर आप सभी के लिए। पूरा वीडियो में बने रहे, मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दया शंकर ओझा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। लेकिन उससे पहले आपका भाई यही रिक्वेस्ट करेगा कि चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हम भोजपुरी को हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं। तो चलो यार, आप सभी को बता दूं, खेसारी लाल जी का ऑडियो गाना इश्क का तो आ गया था और अच्छा खासा मार्केट में रिस्पॉन्स मिला है। फैंस के हिसाब से ये गाना बहुत दमदार है और सही में ये गाने का जो म्यूजिक है बहुत तगड़ा था, क्योंकि विनय विनायक जी का म्यूजिक था। जी हाँ, आपको बता दूं कि लॉलीपॉप का भी म्यूजिक विनय विनायक ने ही दिया था। और उसके बाद क्या था, गाना तो ऑडियो आ गया और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फैंस को सिर्फ ऑडियो से ही मन नहीं भरता, उनको वीडियो भी चाहिए। और हाँ, बेखूबी वीडियो भी आने वाला है। वीडियो आपको बता दूं कि 25 तारीख को आने वाला है, ये तो मैंने न्यूज़ बना दिया था, लेकिन आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक वीडियो का क्लिप जो कि वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये फोटो है जो कि वायरल हो रहा है। आपको बता दूं, खेसारी लाल जी का जो ये वीडियो है, इसका डायरेक्शन किया है दीपेश गोयल जी ने। जी हाँ, दीपेश गोयल आखिर कौन है? बहुत बार नाम सुने हैं, दीपेश गोयल, दीपेश गोयल, दीपेश गोयल। आखिर कौन है दीपेश गोयल? क्या कोई जादूगर है दीपेश गोयल जी जो कि एकदम जादू कर देंगे? हाँ जी, एक जादूगर ही है वीडियोग्राफी की दुनिया में। आखिर हम क्यों बोल रहे हैं, आपको ये रिपोर्ट देखना पड़ेगा। आपको बता दूं दोस्तों कि दीपेश गोयल जी ने बॉलीवुड में, हरियाणवी में, पंजाबी में एक से बढ़कर अभी तक 100 से 150 सुपरहिट गाने का डायरेक्शन किया है। और आपको बता दूं कि आपको मैं जो नाम बोल रहा हूं सिंगर का, आप खोल कर देख सकते हो, सुमित गोस्वामी, जो कि हरियाणवी सुपरस्टार है। आपको याद होगा एक गाना आया था कि इंडियन आर्मी का एक गाना वायरल हुआ था, और उसके बाद भोलेनाथ, यार भोलेनाथ बोलकर एक गाना है वो, और एक ठो वायरल हुआ था, और एक ठो वायरल हुआ था उनका गाना हड़े आना के छोड़े, ये एक ठो गाना वायरल हुआ था। तो सबके सब पे व्यूज 150-200 मिलियन के ऊपर है। तो दीपेश गोयल जी ने उनका डायरेक्शन किया था, एक से बढ़कर एक गाना उनका करते हैं सुमित गोस्वामी जी का, आप जाकर देख सकते हैं उनके गाने को। और दोस्तों, दीपेश गोयल जी का जो डायरेक्शन होता है, जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो वीडियो का बजट इतना ज़्यादा होता है ना, कोई भी कमी आपको नज़र नहीं आएगी, चाहे कैमरा का एंगल्स हो, चाहे ड्रोन शूटिंग हो, मतलब लाजवाब लाजवाब लाजवाब। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, दीपेश गोयल जी का कम से कम एक गाने का बजट 70 से 80 लाख का तो होता ही है, क्योंकि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं है। आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसीलिए शायद दीपेश गोयल जी का नाम इतना वायरल हो रहा है भोजपुरी में। ये शायद पहली बार है खेसारी लाल जी के साथ दीपेश गोयल जी का डायरेक्शन, तो देखना लाजमी होगा कि वीडियो का क्वालिटी कैसा होगा। गाने के हिसाब से वीडियो में एक एटीट्यूड वाला खेसारी लाल जी को देखने को मिलेगा, क्योंकि गाना ही उस टाइप का है, मतलब एक एटीट्यूड वाला बंदा एक बंदी से बोल रहा है, इस टाइप का टाइप के ही सीन्स को दिखाया गया होगा, ये हमारा मानना है। लेकिन ये हम नहीं बोलते हैं कि यही होगा, लेकिन ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इसीलिए हम बोल रहे थे कि दीपेश गोयल जी जो है हमेशा ही एक अलग यूनिकनेस वीडियो में लाते हैं, और इस बार भोजपुरी में ऐसा वीडियो देखने का मतलब समझ लीजिए, हालांकि हिंदी सॉन्ग है, गाया खेसारी लाल जी ने है, भोजपुरी सुपरस्टार ने है, तो लोग भोजपुरी भोजपुरी भी बोल रहे हैं, लेकिन हालांकि ये बॉलीवुड लेवल का हिंदी सॉन्ग है। तो दोस्तों, बहुत लोगों का ये डिमांड है अब खेसारी लाल जी के फैंस, और भी तमाम फैन जो कि किसी के फैंस नहीं है, जो भोजपुरी से सुनना पसंद करते हैं, मैंने बहुत सारा पोस्ट फेसबुक पर देखा, इंस्टाग्राम पर देखा, व्हाट्सएप पर देखा, उनका डिमांड है कि खेसारी लाल जी का गाना अब टी सीरीज से आना चाहिए। तो दोस्तों, ये जैसे ही डिमांड उठा है, अंदर ही अंदर खबर ये खेसारी लाल जी की टीम तक चली गई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि खेसारी लाल जी अब, ऐसा कहा भी जा रहा है खेसारी लाल जी का गाना टी सीरीज से बहुत जल्द हम लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल जी का जो व्यूज जा रहा है, इससे टी सीरीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा रिपोर्ट, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट यही करेगा आपका भाई कि इस वीडियो को खेसारी लाल जी के दूसरे फैंस तक आप जरूर पहुंचा दें, क्योंकि आप देख लिए लेकिन दूसरे फैंस नहीं देखे हैं, तो उनको जानना जरूरी है कि दीपेश गोयल जी कौन है। तो उम्मीद करते हैं खबर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए यही बोलूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं एक नए वीडियो में।